नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। माखन नगर बाबई स्थित नगर परिषद के एकानी हाउस पर अतिक्रमण करने का सिलसिला जारी है। दूसरी ओर जिला कलेक्टर नीरज सिंह के आदेश पर नगर में आवारा मवेशियों को पकड़कर गौशाला भिजवाने के आदेशों के बाद सभी जगह आवारा मवेशियों को पकड़ा जा रहा है, गौशालाओं में भेजा जा रहा है, जिसके विपरीत परिषद के कर्मचारियों द्वारा नगर के आवारा मवेशियों को पकड़कर शासकीय बेसिक स्कूल के कमरों में बंद रखा जा रहा है। देखने में आया है कि परिषद के कर्मचारियों द्वारा बीते 12 घंटे पूर्व नगर से आवारा मवेशियों को पकड़कर स्कूल के कमरों में बंद रखा गया था। न ही मवेशियों को पीने के लिए पानी और खाने के लिए भूसे का इंतजाम किया गया था। विडम्बना की बात तो यह है कि बाबई नगर ब्लॉक में गौशाला प्रशासन द्वारा बनाई गई है। इस पर गौशाला में बात करने पर गौशाला संचालक द्वारा पशुओं की अधिक मात्रा में गौशाला में उपस्थिति बताई जा रही थी, जिस पर प्रशासनिक अधिकारी द्वारा बात करने पर केवल 240 में से 68 गौवंशों की उपस्थिति बताई गई। दूसरी ओर नगर परिषद सीएमओ ब्रजेश भार्गव द्वारा सामाजिक गणों से सीधे मुंह बात न करते हुए इस पूरे घटनाक्रम से मुंह मोड़ते नजर आ रहे थे। अब सवाल ये कि जब प्रशासन द्वारा ब्लॉक स्तर पर गौशालाओं का निर्माण कराया गया तो फिर गौशाला में आवारा मवेशियों को क्यों नहीं रखा जा रहा, या फिर सभी गौशालाएं खाना पूर्ति के लिए बनाई गई हैं, अजेब खर्चों के लिए, ये जांच का विषय है। माखन नगर बाबई से आशीष आशू दुबे की रिपोर्ट। हाँ विक्रांत भाई, क्या है मामला, क्या घटनाक्रम है? घटनाक्रम ऐसे सुनने में आया है और चर्चा भी हुई है अधिकारियों से, तो इनको रोड पे एक्सीडेंट के कारण इनको किसी भी तरीके से शहर से बाहर हो जाएं, वो चाहे कानूनन हो चाहे गैर कानूनी हो, संवैधानिक या असंवैधानिक, ऐसा कलेक्टर साहब का आदेश है नगर पालिका के कर्मचारी द्वारा बताया जा रहा है। अच्छा, तो लगभग 30 के समथिंग ये गोवंश है, और सक्षम अधिकारियों से बात करने पर ये ज्ञात होता है कि इनको हम व्यवस्था करवा दे रहे हैं। हमारे जिले के कलेक्टर महोदय ने आदेश दिए हैं, बस रोड पे नहीं चाहिए, इन्हें कहीं पे भी पहुंचा दीजिए। तो जो ऊपर जो हमारे बैठे हुए हैं नेता लोग, उनसे भी आग्रह है कि हम लोगों को ये बड़ी बड़ी रोड हैं, बड़ी बड़ी नालियाँ, बड़े बड़े नाले जो सेंक्शन हो रहे हैं, एक आध कम भी चल जाएंगे, लेकिन तहसील स्तर पर कम से कम 10 से 15 गौशाला तो हों। केवल 2 गौशालाएँ हैं जिनमें, एक में बता रहे हैं 100 की कैपेसिटी है जो कि जावली में है, एक जो है सांखेड़ा कला में है उसमें भी 100 की कैपेसिटी है। तो सांखेड़ा कला में बता रहे हैं कि 200 से ऊपर गाय बंधी हुई है, गोवंश बंधा हुआ, और जावली में बता रहे हैं कि 240 के समथिंग गोवंश बंधा हुआ है, वहाँ पे कैपेसिटी नहीं है, अब हम एक्स्ट्रा नहीं कर सकते, उनको भोजन पानी नहीं करा पाएंगे। अब जब वहाँ पे वर्तमान में जाके एक व्यक्ति ने देखा, उसने हमें जानकारी दी, वो बता रहा है मात्र 40 गोवंश वहाँ पे जावली गौशाला में बंधे हुए, बाकी सांखेड़ा की हमें जानकारी नहीं है। तो प्रशासन से ये अनुरोध है कि क्यों झूठ बोल रहे हैं, और झूठ बोल के और ऐसे गोवंश को ऐसे भरा जा रहा है, और उनको ना कोई भोजन की व्यवस्था है ना कुछ की व्यवस्था है। बिल लगाने के नाम पे बड़े बड़े लंबे चौड़े बिल लगा दिए जाएंगे कि रस्सी लाए हमने 10,000 रुपये की, इनके लिए चारे की व्यवस्था करी, इनके लिए पानी की व्यवस्था करी, भोजन पानी सबकी व्यवस्था करी। ये तो कहाँ पे रखे गए हैं ये गोवंश, और कितनी संख्या होगी? शासकीय स्कूल है, बेसिक स्कूल करके, जो बीच बाजार में, बीच बस्ती में है, और उसमें आप स्थिति देख ही रहे हैं, आपके पास वीडियो उपलब्ध है। अच्छा। उसके माध्यम से लगभग 30 करीब गाय हैं, इसमें गाय बछड़े सभी हैं, एक तो छोटी बछिया है। इनको कोई खाने पीने की व्यवस्था? कोई खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, बस हमारा आग्रह ये है कि या तो एक सुझाव भी है कि जो गांव कोटवार है उनको 10-10 एकड़ जमीन दी गई है शासन के द्वारा, क्या उसमें से 2 या 3 एकड़ जमीन हम उनसे लेके उस उधर पे हम फेंसिंग करा के टीन सेट डाल के व्यवस्था नहीं कर सकते, क्या गौशाला की व्यवस्था की जा सकती है? की जिम्मेदारी भी कोई नहीं उठा रहा। इसको लेके क्या आपका संघ ऊपर लेवल पर कोई मांग रखेगा? नहीं। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।